Welcome you all in the video lecture series of C program. This is the program which print multiplication table of 1 to 10. पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि how to print multiplication table of given number. इस प्रोग्राम में हमें 1 से लेके तो 10 तक के सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने. So let's see how to write this program. Void main, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, so int I comma j comma result, और यहाँ पर रहेगा clrscr. बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये. तो सबसे पहले मैं for loop लेता हूँ, I equals to 1, I less than equals to 10, I plus plus. तो ये जो for loop है ये 10 बार execute होगा 1 से लेके 10 तक. और इसके अंदर मैं और एक for loop ले लेता हूँ, for j equals to 1, j less than equals to 10, j plus plus. तो ये inner for loop भी आपका 10 time execute होगा. तो जब i की वैल्यू 1 रहेगी, कंडीशन ट्रू रहेगी, ये लूप के अंदर आएगा और ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा. तो ये जब 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आप i का मल्टीप्लिकेशन टेबल इस j के अंदर प्रिंट कर सकते हो. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है. सो रिजल्ट इक्वल्स टू i इनटू j. लॉजिक बहुत ही सिंपल है. j की वैल्यू रहेगी 1, so 1 into 1, 1, j की वैल्यू 2 रहेगी, 2 into 1, 1 into 2, 2, इसी तरीके से 1 into 3, 1 into 4, ये j वाला for loop कैलकुलेट कर देगा. तो जैसे ये कैलकुलेट कर रहा है आप इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट f percent d comma result. और जैसे ही j का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो रहा है, मैं यहाँ पर स्लैश n लगा देता हूँ, प्रिंट f स्लैश n, ताकि जो आउटपुट है वो अच्छे से फॉर्मेट होके दिखे. सो हर हॉरिजॉन्टली हर टेबल प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन पे आके सेकेंड टेबल को मैं प्रिंट कर रहा हूँ. सो लेट्स ट्राई. ओके, you have to write here 1 get cs to hold the screen. तो मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट हो रहा है बट आउटपुट इज नॉट लुकिंग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. तो इसको मैं अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्लैश टी और सेव करते हैं इस प्रोग्राम को. proc 30.c. ओके, स्क्रीन साइज छोटी पड़ रही है यहाँ पर. सो इंस्टेड ऑफ स्लैश टी मैं यहाँ पर एक स्पेस ले लेता हूँ. अब देखते हैं कैसे प्रिंट होगा ये. स्टिल द टेबल इज डिस्टर्बिंग. चलो मैं इसको स्लैश टी ले लेता हूँ और इंस्टेड ऑफ 1 to 10 मैं 1 to 9 मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करता हूँ. तो कितने डिजिट तक प्रिंट करना है आउटर फॉर लूप कंट्रोल कर रहा है. सो 1 to 9 में ये नो, यहाँ आपने देना है 1 to 8 और गिव 1 to 10. हॉरिजॉन्टली ये प्रिंट कर रहा है तो यहाँ देना है हमने 1 to 9. सो या इट इज़ लुकिंग गुड.
तो इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने रेंज में मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर सकते हो। नेस्टेड लूप हमने यूज़ किया है यहाँ पर, और नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन, किसी भी लूप का एग्जीक्यूशन आपको पता है, जब तक कंडीशन ट्रू है लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।